दोस्तों, प्रियंका गुप्ता की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप सब कैसे हो? ठीक ही होंगे, ठीक ही होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने क्या किया है, चलो चलते हैं वो सब देखना क्या बनाया। आज अच्छी रेसिपी है, कढ़ी के साथ खाई जाती है, और वो मिर्च आज मैंने बनाई है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और साथ में प्रियंका गुप्ता की चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद एक लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद और बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज सुबह से क्या पार्क से आए, नहा धोकर अपनी झाड़ू पोछा करके पूजा की है, फिर ब्रेकफास्ट में जैम ब्रेड खाता है तो उसको जैम ब्रेड दिया, मैंने भी फैमिली के जैम ब्रेड खा लिए थे। हमने दो बच्चे का दूध और हस्बैंड की चाय हो गई थी, फिर पूजा हो जाने के बाद मैं तो नहाकर पूजा करके ही खाती हूँ, इन लोगों को दे दिया। बादाम शायद मैंने खा लिया, और बस इसके बाद लंच की तैयारी में थोड़ी देर बाद मैंने लंच बनाया था, उसका वीडियो नहीं बनाया लंच का, और ब्रेकफास्ट का मैंने नहीं बनाया। उनकी चलो आज मैं अच्छी रेसिपी आप कड़ी वाली मिर्च का रेसिपी देना है, तो उनकी चलो बाद में इतना ही सूट किया था। और लंच का मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बैगन का सेकने के लिए रख दिए थे, और बैगन का भरता बनाया था, और रोटी ये सब लंच में बनाया था। हम लोगों का लंच वगैरह हो गया था, और बस हमने कही अभी थोड़ी धूप निकल रही है, बादल हो रहे हैं, फिर भी मैंने भर कर रख दी है, धूप में सूख जाएंगी तब जाके आपको हम बताएंगे कि सूखने के बाद कैसा क्या होता है। और वीडियो को एंड तक देखना तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आता है। आप लोग देखते नहीं हो तो आपको क्या समझ में आए, धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे सब पसंद वीडियो आने लगते हो, और धीरे धीरे रेसिपी समझ में आने लगेगी। रेसिपी को आप एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगी, वैसे समझ में नहीं आएगी, देखकर चले गए तो नहीं आएंगी। आप एंड तक देखो रेसिपी को, क्या मैं बनाकर बता रही हूँ, आप एंड तक देखो, और प्लीज़ साथ दो डेली रोज वीडियो देखो, और कमेंट कर भी बता, लाइक और सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो करे सब्सक्राइब प्रियंका गुप्ता के चैनल को, प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। डेली रोज बोलती रहती हूँ, एक दार नहीं 17 दार भी बोलती हूँ, फिर भी नहीं करते हो तो फिर तो ये इंसान इंसान की मदद करो, वो ही सही रहता है। चलो क्या किया है चलते हैं आप देखो। फिर यहाँ पर मैं सुबह के समय घूम कर आई थी, घर का पूरा झाड़ू पोछा धोकर क्लीनिंग करके बस कपड़े धोकर नहा कर आ गई हूँ। ये कपड़े डालने के लिए बालकनी में जा रहे हैं, ये मेरे जनाब कार्टून देख रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, शैतानी करते रहते हैं बच्चे, क्या करें। और सिटियों में क्या है कि कुछ वैसा कुछ है नहीं है, सब पैक पैक से रहते हैं, तो कोई बाल बच्चे होते नहीं हैं तो उनके साथ खेल लें। मैं जा रही थी वहाँ कोई बाल बच्चा ही नहीं है, बस मेरा बेटा है, और बस यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह फैला दूँगी बच्चे को अपने, ये तो डेली रोज के हो ही जाते हैं डेली रोज के कपड़े। यहाँ धूप तेज के निकली है, और ये तुलसा जी है, ये मेरा पौधीना देख कितना लगाया, ये कड़ी पत्ता है, बस ये दूबा भी लगा लिए मैं। कबूतर है ना, वो एसी पे कबूतर बैठे, उनके बच्चे हैं तो उनके लिए मैं पानी रख देती हूँ, ये पानी पीने के लिए दिए मैं। और यहाँ पर मैं अपने बेटे से बोल रही हूँ कि मैं बैगन की लंच में मुझे बैगन बनाना भरता बनाना है, तो मैं सेकने के लिए रख दो, ये लारी में चाय थी। आज हम आपको कड़ी के साथ खाने खाई जाती है ये कड़ी वाली मिर्ची बनाना बताएंगे, और मेरी भी ख़त्म हो गई थी तो मुझे भी बनने थी ये मिर्ची। तो यहाँ पर मैंने मेथी ली है, और ये कड़ी वाली मिर्ची होती है तीखी नहीं होती है, ये बड़ी और मोटी है, इस तरह की बड़ी मोटी मैंने ली है और आ गई थी, तो फिर हमने कि चलो ये मैं कड़ी वाली मिर्ची बना के रख दूँ, थोड़ी धूप भी तेज निकल रही है तो जिससे भी सूख जाएंगी, क्या है कि फिर सर्दियों में धूप निकलेगी नहीं तो सूखेंगी नहीं, फिर तो फिर गर्मियों में बनना पड़ेगा। फिर यहाँ पर चलो आपको बनाना बताते किस तरह बनाते हैं। ये अब मैंने मेथी ली हुई एक पैकेट था, तो मैंने मिक्सी के जार में दरदरा इसको पीस लेना है, इस तरह से मैंने मिक्सी के जार में डालकर उसको पीस लिया है, इस तरह पीस लेना है।
फिर यहाँ बड़ी मोटी मिर्ची है, दही है, आप दही ले सकते हो, मठा भी ले सकते हो, छाछ। ये मेथी मैंने ददरी को मिक्सी में पीस लिया, ये मेथी है, पिसी हुई मेथी है। फिर इन मिर्चियों में आपको चीरा लगाना है, इस तरह से आपको चीरा लगना, छुरी या सुई से आपको चीरा सा लगा लेना है, इस तरह से, इस तरह से चीरा लगा लोगे। फिर इसके बाद आपको मिर्चियों में जितना, मेरी तो मेथी ज़्यादा थी इसलिए मैंने थोड़ी आधी मेथी रख दी है, आधी मेथी मैंने ले ली है, जितनी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने ले ली है। आपको जैसे जितनी आपकी मिर्ची उतना आपको मेथी लेना है, उतना ही दही या मठा लेना है। फिर मैंने एक प्लेट में मेथी ली है पीसी और उसमें मैंने दही डालना है, उसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। फिर अच्छे से थोड़ा मिक्स हो जाए तो उसमें हम अब क्या डालेंगे, नमक डालेंगे। इसमें थोड़ा नमक तेज़ हो तो और अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच नमक डाला है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। फिर नमक डालने के बाद उसको अच्छे से मिला लेना है, और अच्छा नमक मिल जाए तो फिर वो अच्छी रहती हैं, और नमक का डली रहती ना तो ये मिर्ची खाने में बड़ी टेस्टी लगती है, कड़ी के साथ, दाल के साथ, पराठे के साथ खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। कड़ी वाली मिर्ची है, कड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, कभी दाल के साथ भी खा तो तब भी अच्छी लगती हैं। फिर यहाँ पर मेरा ये मेथी वाला मिक्सर अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। फिर ये आपको एक चिरी हुई चीरा लगी हुई मिर्च लेना है, उसमें आपको भल लेना है, इसी तरह मैं बाकी पूरी भल लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने भल ली है, बाकी भी भल लेंगे, और एक दो आपको बता दी है। आपको ये किस किस को आता है कमेंट में बताना, ये मिर्ची कौन कौन जानता है। बस इस तरह से फिर एक प्लेट लेना है, प्लेट में आपको इन मिर्चियों को रख देना है, या आप प्लेट, थाली या पॉलीथीन पर धूप में आपको 2-4-5 दिन के लिए रख देना है, 4-5 दिन में अच्छे से सूख जाएंगी। फिर जो यहाँ पर मैंने प्लेट में मिर्ची को रख लिया है, और यहाँ मैं एक चीज़ करना भूल गई हूँ इसलिए मैं थोड़ी बाद में बता रही हूँ, और ऊपर से आपको दही या मठा को छीटा देना है, छिड़ा। बस एक मेरी प्लेट में बन गई थी, एक थाली में बन गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो डालने के लिए है नहीं है, तो बालकनी में एक बनी हुई है तो उसके ऊपर मैंने रख दी है सूखने के लिए। देखो मैंने बाद में ध्यान आ गया तो मैंने ऊपर से ये मठा दही डाल दिया है, इससे कुछ खट्टापन भी आता है और जो मिर्ची होती है ना भी सफ़ेद रंग की हो जाती हैं, पीले रंग की अच्छी लगती हैं देखने में। फिर इस तरह से मैंने दोनों में डाल दिया है, 4-5 दिन में सूख जाएंगी ये मिर्च, तब बताएंगे। 5-6 दिन में ये आपकी मिर्ची सूखेंगी, और सूखने के बाद इस तरह की आपको दिखेंगी। ये मेरी पहल की रखी हुई मिर्ची है तो मैं आपको पहल की बता देती हूँ, और जब ये सूख जाएंगी तब हम ये वाली भी बता देंगे। और सूखने के बाद एक की ये मटमैली रंग है, पीली या सफ़ेद रंग की हो जाती हैं, एक खाने बड़ी टेस्टी लगती है, कड़ी के साथ खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है। कड़ी वाली मिर्ची तो कड़ी के साथ ही खाई जाती हैं। कौन कौन बनाता है कमेंट कर ज़रूर बताना आप, और नहीं बनाई है तो एक बार बना कर खाकर देखना, फिर कमेंट कर बताना। और यहाँ पर ये दाल के साथ भी खाने में अच्छी लगती, दाल के ऊपर डाल के, कड़ी के ऊपर डालकर खाई जाती हैं, तो ख़ास तौर पे कड़ी के ऊपर डालकर खाई जाती हैं। आप दाल के साथ भी खाना चाहो तो दाल के साथ भी ऊपर से डालकर खा सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्राई कर भी मिर्च बता देती हूँ। मैंने तेल गरम कर लिया, तेल में डाल दी मिर्ची, दोनों साइड से थोड़ा ब्राउन करके सेंक लेना, निकाल लेना, ये कड़ी की मिर्ची बनकर तैयार है, फ्राई वाली भी और वैसी भी। इसकी मस्ती चल रही है, अब ये दूध का मैं डालकर खाते हैं, चोकोबार से ये चोकोबार लेकर आए हैं। अब ये कह रहे मम्मा दूध दे दो, और दूध अब देना है इनको, दूध देंगे, ये दूध में डालकर खा लेंगे। और साथ में ये जगन्नाथपुरी की यात्रा बताई जा रही है, और बच्चे के साथ टाइम में कैसे इसी तरह से खेलती रहती हूँ जिससे इसका टाइम भी पास हो जाए, मेरा भी हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक का था, अगले वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हाँ, मेन बात, प्रियंका गुप्ता किचन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन आएगा तो सब्सक्राइब कर देना, और उसी के बगल में बेल बटन घंटी आएगी उसको दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और क्या बात करूँ, चलो अब तो वीडियो का एंड करना है तो बात क्या करूँ, और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करना, डेली वीडियो देखा करो। प्लीज़ इस चैनल को आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो, आपके साथ की ज़रूरत है। चलो अब वीडियो का एंड करेंगे, क्या क्या है आपने सबने देख लिया है, और अगला और अच्छा लगता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और क्या आपको चाहिए तो कमेंट करके भी बता सकते हो रेसिपी वगैरह। चलो आज का वीडियो यहीं तक का, अगले वीडियो फिर जल्द मिलेंगे। बाय, एक नए वीडियो के साथ। बाय भैया, बाय कर लो। ये मेरे बेटा ने भी बाय कर दिया है, उन्हें दूध चाहिए। बाय बाय कर लूँ।